हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, आज की क्लास है हमारी 29th डे की इंग्लिश क्लास। जी हाँ, और हम लोग कर रहे हैं WH फैमिली। जैसा कि मैं आपसे पिछली क्लास में कह चुका हूँ, WH फैमिली बहुत ही एसेंशियल पार्ट है इंग्लिश का। यदि आप क्वेश्चन पूछना जानते हैं तो आप आंसर देना भी समझ जाएंगे, आप जान जाएंगे कि आंसर कैसे दिए जाते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है तो ये देखने की कि क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, और यही हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं। दोस्तों, कुछ WH फैमिली हम कर चुके हैं, कुछ बाकी हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट WH फैमिली, एंड लेट्स सी दैट विच WH फैमिली टुडे वी गाइज आर गोइंग टू चूज। राइट एवरीबॉडी, तो करते हैं स्टार्ट अपनी WH फैमिली की और देखते हैं कि आज के सेशन में हम कौन सी WH फैमिली करने वाले हैं। आइए, सो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, जी हाँ, जैसा कि हम देख सकते हैं, आज हम करने वाले हैं द यूज ऑफ विच। ऑफकोर्स आज हम समझेंगे कि विच के यूज कैसे किए जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं और मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टूडेंट्स को यदि कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा ही होती है तो वो विच में खास कर होती है। सर, विच का यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, क्या हम विच का यूज़ थिंग्स के लिए करते हैं या फिर केवल पर्संस के लिए करते हैं? तो आज हम इन सभी के आंसर्स देखते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि विच का मीन है क्या। वैसे तो आप देख ही चुके हैं विच का मीन, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा आपको कि विच का मीन क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा विच को लेके, और विच के ऊपर सारी समस्याएं जितनी भी हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके बाद भी यदि कहीं कोई प्रॉब्लम रह जाती है, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी स्पेशली। राइट एवरीबॉडी, चलिए तो दोस्तों देखते हैं विच। विच आपसे कहता है कि भैया इसका मीन होता है कौन सा या कौन सी। क्या मीन होता है? कौन सा या कौन सी। आपको जब कोई चीज चूज करनी होती है, आपको जब कुछ भी चूज करना पड़े तो आप यूज करते हैं विच। इज इट क्लियर? विच का यूज हम अक्सर करते हैं चूज के लिए। जैसे कोई भी चीज आपको यदि चूज करनी है, चुननी है कुछ चीजों में से, तो हम विच का यूज करते हैं। जैसे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उधम मचा रहे हैं, तो कोई टीचर ने एंट्री ली तो वो क्या कहेगा? विच स्टूडेंट। क्यों कहा उसने विच स्टूडेंट? क्योंकि उसने पूछा कि कौन सा स्टूडेंट। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि हम यूज करें हु, क्योंकि हु का मतलब होता है दोस्तों कौन। जी हां, द मीनिंग ऑफ हु इज कौन। लेकिन हु का मतलब कौन तो होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता। और हमें चाहिए था कौन सा के लिए, जबकि हु मीन्स कौन है। तो आपको जब कहना है कौन सा स्टूडेंट, तो आप कभी ये नहीं कहेंगे हु स्टूडेंट, ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए आपको कहना पड़ेगा विच स्टूडेंट। मुझे कहना है कि कौन सी किताब मेरी है, तो मैं ये नहीं कहूंगा हु बुक या दैट बुक, विच बुक। राइट, यदि मुझे कहना है कि कौन सा दोस्त यहां आ रहा है, कौन सा दोस्त यहां पे, तो दोस्त की बात कर रहे हैं तो हम हु का यूज नहीं करेंगे। विच फ्रेंड ऑफ माइन, कौन सा दोस्त मेरा, कौन सा दोस्त, विच। तो विच का यूज हम करते हैं चूज करने के लिए अमंग में से, बहुतों में से। पहली बात, मैं विश्वास करता हूं कि आपको क्लियर हुई होगी। जब भी इसका मीन होता है दोस्तों कौन सा या कौन सी। क्लियर? आइए अब हम देखते हैं इसके सेट ऑफ एग्जांपल्स, व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल्स बेसिकली आर गिवन हियर। राइट, सो नंबर वन, विच बुक इज गुड फॉर रीडिंग। राइटर जो है, लेखक जो है, वो कहना चाह रहा है विच बुक इज गुड फॉर रीडिंग, कौन सी किताब ऐसी है जो कि अच्छी है पढ़ने के लिए। सो उसने कहा कौन सी किताब, विच बुक। अब मैंने आपको क्या बताया था, WH के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो कुछ का क्वेश्चन ये होगा कि सर विच तो पीछे रह गया और बुक आगे निकल गया। जी, यही समझना है आपको। विच के साथ कभी हम वर्ब का यूज तुरंत बाद नहीं करते, हम विच के संग एक वर्ड यूज करते हैं जिसके साथ विच आ रहा है। जैसे मैंने कहा विच चेयर, कौन सी चेयर, तो विच के संग पहले चेयर लगाएंगे उसके बाद हम वर्ब यूज करेंगे। ऐसे ही विच बुक, तो पहले विच के साथ बुक उसके बाद वर्ब आएगी। ये पूरा एक सेट है, ये पूरा एक सेट है, तो उस सेट को हमें लिखना है। तो इसलिए हमने लिखा विच बुक, कौन सी बुक इज गुड फॉर रीडिंग, अच्छी है रीडिंग के लिए। आई बिलीव के क्लियर है। विच बुक इज गुड फॉर रीडिंग, कौन सी बुक अच्छी है पढ़ने के लिए।
नंबर सेकंड, लेकिन सेकंड से पहले थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं आंसर्स के तौर पे। तो यदि किसी ने कहा विच बुक इज गुड फॉर रीडिंग, आपसे कोई कह रहा है कि कौन सी बुक है अच्छी, तो भाई मेरे से यदि कोई कहेगा तो मैं कहूँगा अरेबियन नाइट्स इज गुड फॉर रीडिंग। अरेबियन नाइट्स यदि नहीं पढ़ी हो तो पढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा, ये एक नॉवल है क्योंकि बहुत अच्छा नॉवल है। तो दोस्तों कह सकते हैं अरेबियन नाइट्स इज गुड फॉर रीडिंग। यहाँ मैंने अरेबियन नाइट्स कहा आपसे, तो दोस्तों ये है एक ही बुक, लेकिन एक ऐसी बुक है जो अपने पीछे एस लेती है, लगती प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर, तो इसलिए कहा मैंने अरेबियन नाइट्स इज गुड फॉर रीडिंग। ये जो विच बुक है इसके प्लेस पे मैंने लिख दिया अरेबियन नाइट्स, राइट। क्या करना है, जो बुक पूछी गई है उस बुक का बस नाम लिख देना है और सेंटेंस जैसा है वैसे का वैसा ही उतर जाएगा, बस यही है इसका मीन कि अरेबियन नाइट्स इज गुड फॉर रीडिंग। किसका आंसर, विच बुक इज गुड फॉर रीडिंग का, सिंपल। सेकंड कह रहा है विच डे इज ऑन 28th ऑफ अक्टूबर, विच डे इज ऑन 28th ऑफ अक्टूबर। दोस्तों सेम मीन जैसे विच बुक था ऐसे उसने कहा विच डे, कौन सा डे है ऑन 28th ऑफ अक्टूबर, 28 तारीख को कौन सा दिन है, उसने कहा 28 तारीख को हम कौन सा दिन मनाते हैं। जी हाँ आप समझ गए होंगे, मैंने कहा मनाते हैं तो इसका आंसर आप ये मत दीजिएगा कि सर थर्सडे या फ्राइडे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वीक डेज, हम बात कर रहे हैं कि वो कौन सा दिन है जो 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सभी कॉम्पिटिशन स्टूडेंट्स के लिए है, या जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं इस वीडियो को, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दैट विच डे इज ऑब्जर्व ऑन 28th ऑफ अक्टूबर, कौन सा दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। यदि आप जीए पढ़ते हैं कि कौन सा दिन हम सेलिब्रेट करते हैं 28 अक्टूबर को, राइट एवरीवन। चलिए तो क्वेश्चन आपने देखा विच डे इज ऑन 28th ऑफ अक्टूबर, विच डे के बाद इज आ गया। नंबर थर्ड, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड गो ग्रीन स्कीम, ये जीए के क्वेश्चन है जो कि सिंपल है आपके लिए लेकिन समझेंगे। विच स्टेट, कौन सा राज्य, स्टेट मीन्स राज्य, किस राज्य ने लॉन्च किया है, हैज लॉन्च्ड, हैज के संग थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड गो ग्रीन स्कीम, कौन सी स्कीम, गो ग्रीन। अभी हाल फिलहाल में एक राज्य में गो ग्रीन स्कीम लॉन्च हुई है। गो ग्रीन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, एक ऐसी स्कीम जो कि ग्रीनरी को बढ़ावा देती है, जो कि नेचुरल चीजों को बढ़ावा देती है, जो कि प्रदूषण को कम करना चाहती है, राइट। तो वो कौन सा स्टेट है, ये सेकंड क्वेश्चन है आप सबके लिए, आप लोग बताएंगे मुझे वो कौन सा स्टेट है जिसने अभी अभी गो ग्रीन स्कीम को लॉन्च किया है, वो कौन सा राज्य है भारत का, राइट। ऐसा नहीं कि अमेरिका कह दें आपकी अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, ये इंडिया का एक राज्य है, तो बताएंगे कौन सा राज्य है जिसने गो ग्रीन स्कीम को लॉन्च किया है, इज इट क्लियर। और क्वेश्चन तो आपके समझ में आ ही गया होगा, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड, स्टेट के बाद हमने हैज का यूज किया, सिंपल। नंबर नेक्स्ट, विच स्टूडेंट वॉज नॉट स्टडिंग, तो दोस्तों कौन सा स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा था, विच स्टूडेंट वॉज नॉट स्टडिंग, तो मैं कहूंगा क्या, यानी मुझे आंसर देना है, तो मैं कहूंगा मैनी स्टूडेंट्स वेर नॉट स्टडिंग, मतलब मैंने मैनी लगा दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन यहां कहना चाह रहा है वो विच स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट। तो यदि आपको नाम बोलना है तो आप कह सकते हैं लखन, एक नाम ले लिया लखन, लखन वॉज नॉट स्टडिंग, लखन नहीं पढ़ रहा था, या मैं कह सकता हूँ विशाखा वॉज नॉट स्टडिंग, विशाखा नहीं पढ़ रही थी क्योंकि वो बहुत बातें कर रही थी, राइट। सो हम कहेंगे कि विशाखा वॉज नॉट स्टडिंग, इज इट क्लियर एवरीबॉडी, सिंपल। विच स्टूडेंट के प्लेस पे नेम और फिर सेंटेंस, आइए स्टार्ट करते हैं नंबर फिफ्थ। नंबर फिफ्थ है दोस्तों विच कार विल यू बाय, ओए होए कार, दोस्तों विच कार विल यू बाय, तो जब कार का नाम आता है तो हम सब अपनी अपनी कार या फिर नहीं भी है तो सोचने लगते हैं भाई कौन सी कार खरीदनी है, तो यही सेंटेंस में कहना चाह रहा है विच कार विल यू बाय, तुम कौन सी कार खरीदोगे, विच कार विल यू बाय, तो विच के संग क्या आ गया, कार, विल यू बाय खरीदोगे, तो भाई सिंपल है विच कार विल यू बाय, आंसर क्या होगा, जो भी कार आपको पसंद है उस कार का नाम और फिर क्या लिखेंगे, विच कार, मतलब जो भी कार है, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई व्हाट शुड आई से, हम लोग ले लेते हैं जगुआर, राइट, यदि हम जगुआर का नाम लेते हैं तो क्या कहूंगा, आई यू को मैं चेंज करूंगा पहले, तो पहले होगा आई विल बाय जगुआर,
दोस्तों ये सेंटेंस अलग है थोड़ा। यहां मैं ये नहीं कह सकता जगुआर विल यू बाय, जगुआर मुझे खरीद लेगी दिक्कत हो जाएगी। वो कहना चाह रहा है विच कार विल यू बाय, तुम कौन सी कार खरीदोगे। तो वो तुमसे क्वेश्चन कर रहा है, मींस तो मैं आंसर दूंगा आई में कि आई विल बाय जो भी कार होगी, राइट। आई विल बाय मारुति, आई विल बाय शेवरोले, आई विल बाय जगुआर और वट एवर आई विल बाय। आई बिलीव कि आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों, राइट। ये थे हमारे विच पे सेंटेंस, और मैं आशा करता हूं कि अब आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि विच पे सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन हाँ, वही बात, जरूरत है तो सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, मोर एंड मोर सेंटेंस बनाने की। द मच एंड मोर सेंटेंस यू मेक, द मच एंड मोर पॉसिबिलिटी इज देयर दैट यू वुड नॉट डू एनी मिस्टेक, एंड इफ यू डू, इफ यू कमिट एनी मिस्टेक, देन आई एम देयर, राइट एवरीबॉडी। यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस एंड आई एम गोना कम ओवर देयर विद ऑल द पॉसिबल आंसर्स। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मैं आशा करता हूँ और विश्वास भी कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों फिनिश करते हैं आज की क्लास को, थैंक यू फॉर टुडे, बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।